पहले हमें न्यूज़पेपर लेना है, दो चार या पांच, जितना बड़ा आपको मूर्ति बनाना है उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। आप हाथ से भी इसे मतलब नॉर्मली फाड़ सकते हैं या फिर सीज़र से काट सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में। और उसके बाद एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें उस छोटे छोटे टुकड़े किए हुए पेपर को डालिए और उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए जितना पेपर है उससे थोड़ा सा ऊपर, और उसे दो तीन घंटे के लिए रख दीजिए। और उसे फिर अपने मिक्सी के जार में डालिए और ग्राइंड कर लीजिए। और उसके बाद अच्छे से पीस लीजिए और उसके बाद उससे हमें पानी निकालना है कपड़े की मदद से, कपड़े में डाल के उसे पानी, उसे मतलब न्यूज़पेपर के बैटर को पानी कपड़े में डाल के उससे पानी अलग कर लेना है। और उसके बाद उसे एक प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद उसमें फेविकॉल और मैदा डालना है और उसे तब तक मिक्स करना है तब तक वो उससे हमें एक सॉफ्ट डो नहीं मिल जाता। और उसके बाद एक कार्डबोर्ड लेंगे, थोड़ा मोटा होना चाहिए, और उसके बाद उसमें अपने हाथों का निशान बनाएंगे पंजे का, और उसके बाद उसे कट कर लेंगे, उसमें फिर फेविकॉल लगाएंगे और न्यूज़पेपर या फिर कोई भी वेस्ट पेपर को रोल करके उसके उंगलियों की जगह पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा बॉटल लेंगे किसी भी मतलब जिससे हम बुद्ध भगवान का गला और नीचे का पार्ट, शरीर के नीचे का पार्ट बना सके। और उसके बाद फेविकॉल की मदद से उसे चिपका देंगे। और उसके बाद जितना भी हमने क्ले बनाया है उस क्ले की मदद से हाथ को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे और बुद्ध भगवान के शरीर का शेप देने का कोशिश करेंगे। और उसे मतलब और उसे चिकना यानी स्मूथ करते जाएंगे उसके फेस को, उसके बॉडी को। और उसके बाद सारा कुछ होने के बाद फेस, आँख, ये सब बनने के बाद, बाल और उनके शरीर बनने के बाद, हम उसे कलर करेंगे फेविकॉल और वाइट कलर की मदद से। और उसके बाद उसे ब्लैक कलर में करेंगे कलर, और फिर गोल्डन कलर फिर, और उनके कपड़े को कलर करेंगे। तो हो गया हमारा तैयार बुद्ध भगवान की मूर्ति।